नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, आप सबका बहुत सारा प्यार मिल रहा है हमको इस चैनल में और उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके का प्यार बनाए रखिएगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस वीडियो में मैं आपको दिन भर की स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरों से अवगत कराता हूँ, तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वो पाकिस्तान को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना में जब से फ्रांस का राफेल शामिल हुआ है तब से पाकिस्तान की चिंता लगातार बढ़ रही है। बीवरेम मिच्योर मिसाइल के साथ राफेल को एशिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान कहा जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अभी हाल ही में एक बयान में कहा था कि भारत के परमाणु हमला करने में सक्षम राफेल को खरीदना इस बात का संकेत है कि वो अपनी सुरक्षा जरूरतों के दायरों को बढ़ाता जा रहा है। पाकिस्तान ने दुनिया से भी गुहार लगाई कि भारत अपने हथियारों की क्षमता को रोके। पाकिस्तान की ओर से चिंता जायज है क्योंकि अब उसका लड़ाकू विमान का पूरा जखीरा खतरे में पड़ गया है। पिछले साल फरवरी के महीने में भारत और पाकिस्तान की वायुसेना आमने सामने आ गई थी। पाकिस्तान की वायुसेना भारत के एक MiG-21 विमान को अमेरिकी F-16 जेट के AIM-120 AMRAAM की मदद से मार गिराने में कामयाब रही थी। वहीं भारत ने भी अपने MiG-21 से F-16 को मार गिराया था। हालांकि भारतीय वायुसेना को इस बात से चिंता हो गई थी कि पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय लड़ाकू विमानों को बिना कोई मौके दिए लंबी दूरी की टारगेट करने में सफल रही। पाकिस्तान के F-16 में AMRAAM भारत के लिए लंबे वक्त से एक चुनौती बना हुआ था। पाकिस्तान के पास शुरुआती मॉडल AIM-120A/B था जिसकी रेंज करीबन 75 किलोमीटर थी, लेकिन बाद में उसने 100 किलोमीटर रेंज वाली AIM-120C5 मिसाइल को खरीदा था। इसकी मदद से पाकिस्तानी लड़ाकू विमान भारतीय जेट को बिना स्पॉट किए उस पर हमला कर पाने में कामयाब हो गए थे, जबकि भारतीय लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान के F-16 को टारगेट करने के बजाय इसकी मिसाइलों से बचना पड़ा था। हालांकि F-4++ जनरेशन के राफेल जेट भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुका है। इसमें घातक बीवरेम मिच्योर भी लगा है जिससे पाकिस्तान के F-16 जेट समेत सारे लड़ाकू विमान सीधे खतरे में आ गए हैं। पाकिस्तान का JF-17 भी राफेल का सबसे आसान शिकार बन जाएगा। राफेल जेट जहां फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी बनाती है, वहीं मिच्योर मिसाइल पूरी दुनिया में मिसाइल निर्माता के तौर पर यूरोपीय कंपनी MBDA बनाती है और ये भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर है। यहाँ तक कि ब्रिटेन जिन लड़ाकू विमानों की पांचवी पीढ़ी F-35 का इस्तेमाल कर रहा है वो भी मिच्योर मिसाइलों से लैस है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान केवल राफेल लड़ाकू विमानों की वजह से ही भयभीत नहीं है। मिच्योर मिसाइल उसके AMRAAM से कई गुना बेहतर है और उसके F-16 विमान के लिए सीधा खतरा पैदा करती है। राफेल भारतीय वायुसेना के 17वें स्क्वाड्रन का हिस्सा होंगे जिन्हें गोल्डन एरोज के नाम से जाना जाएगा और 2021 के अंत तक भारत को बाकी के राफेल मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो चीन को लेकर आ रही है। LAC के नजदीक चीन ने अपने परमाणु हथियारों को ले जाने वाली मिसाइलें तैनात कर दी है। सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का खुलासा हुआ है। दोस्तों, वही मैंने आपको एक दिन पहले डिफेंस अपडेट में बताया था कि चीन ने 600 किलोमीटर दूर परमाणु बम वर्षक भी तैनात किए हैं। ये मिसाइल चीन की DF-26/21 है। इस मिसाइल को चीन ने शिनजियांग प्रांत में तैनात किया है। अंतरिक्ष से ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से ये बात स्पष्ट होती है कि चीन ने भारतीय सीमा से सटकर बड़े पैमाने पर अपने परमाणु शक्ति को बढ़ाया है। DF-26/27 मिसाइलों की रेंज करीबन 4 से 5 हजार किलोमीटर है। इन तस्वीरों को ट्विटर पर ओपन इंटेलिजेंस सोर्स की एक यूजर ने डाला है। कुर्ला बेस पर पहली मिसाइल अप्रैल 2019 और दूसरी मिसाइल अगस्त 2019 में तैनात की गई थी। आपको बता दें कि चीन की DF-26/21 मिसाइल अपनी दोहरी क्षमता के लिए दुनिया भर में जानी जाती है और ये एटॉमिक हथियार ले जाने में सक्षम है। इससे ये पता नहीं चलेगा कि कौन सी मिसाइल में किस तरीके का हथियार है। इस मिसाइल को गुआम किलर भी कहा जाता है। गुआम जापान के पास अमेरिका का नौसेना बेस है। चीन ने 2015 में इस मिसाइल का प्रदर्शन किया था। वहीं दोस्तों, अगर बात करें भारत की तो भारत के पास भी चीन को टक्कर देने के लिए अपनी परमाणु मिसाइलें हैं जिनमें अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा शिनजियांग में J-11/16 फाइटर प्लेन्स तैनात किए हैं। इनकी रेंज 3,550 किलोमीटर है। इन्हें चीन का Sukhoi-27 भी कहा जाता है क्योंकि इसका बेस मॉडल रूस के सुकोई फाइटर जेट पर आधारित है जिसे चीन ने अपने हिसाब से डेवलप किया है। यानी कि अब ये जो नया अपडेट आया है वो काफी चौंकाने वाला है और ऐसे में भारत को अब इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना होगा, क्योंकि अब आप समझ सकते हैं कि परमाणु मिसाइलों को तैनात करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और इसे भारत से महज 600 किलोमीटर दूर ही तैनात किया गया और इनकी रेंज आपको मालूम ही है कि कई हजार किलोमीटर होती है। ऐसे में भारत के लिए एक चिंता का विषय है। दोस्तों, कहने वाली बात है कि अगर भारत भी यहाँ पर अपनी अग्नि 4 और अग्नि 5 को तैनात करता है तो ये एक जियोपॉलिटिकल रूप में एक अच्छा संकेत नहीं होगा, क्योंकि परमाणु मिसाइलों को डिप्लॉय करना पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो बख्तरवंद सुरक्षा वाहनों को लेकर आ रही है।
पूर्वी लद्दाख में उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में अपने सैनिकों को अत्यधिक मोबाइल बख्तरबंद सुरक्षा वाहन उपलब्ध कराने की मांग करते हुए भारतीय सेना अमेरिकी स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट कॉम्बिनेशन व्हीकल और हम्वी के साथ स्वदेशी टाटा व्हीकल आर्म प्रोटेक्शन सहित 3 अलग अलग वाहनों का चयन करना चाहती है। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में अपने सैनिकों को तुरंत आवाजाही के लिए बख्तरबंद पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों की आवश्यकता पर जोर दिया है, जहां चीन ने बड़ी संख्या में अपने बख्तरबंद कर्मियों के वाहनों को तैनात किया है। दोस्तों आपको बता दें कि जो खबर आ रही है, फिलहाल भारतीय सेना के द्वारा इन विकल्पों का मूल्यांकन किया जा रहा है और जल्द ही इस संबंध में कोई निर्णय भी लिया जा सकता है। सूत्रों ने कहा कि मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान स्वदेशी मंच में निश्चित रूप से सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने में विदेशी उत्पादों की प्राथमिकता भी होगी। हालांकि टाटा वाहन को सेवा में प्रवेश करना बाकी है, लेकिन स्ट्राइकर और हम्वी लंबे समय से अमेरिकी सुरक्षा बलों का हिस्सा रहे हैं। टाटा WHAP जिसे DRDO की प्रयोगशाला के साथ को डेवलप करके बनाया गया है, हाल ही के दिनों में इसके परीक्षण हुए हैं और वो भी खास करके उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। वहीं स्ट्राइकर्स और हम्वी C-130J और C-17 सहित परिवहन विमानों के द्वारा भी गिराए जाने में भी सक्षम है, जो भारतीय वायुसेना द्वारा भी संचालित किए जाते हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे गतिरोध को देखते हुए चीनी सैनिक काफी आगे आ चुके हैं। भारतीय सेना बड़ी संख्या में रूसी मूल के BMP पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों का उपयोग करती है, जिनका उपयोग भारतीय सेना के मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट द्वारा रेगिस्तान के मैदानों और ऊंचाई वाले स्थानों में किया जाता है। लेकिन अब जो नया अपडेट है वो यही है कि भारत अपनी बख्तरबंद सुरक्षा वाहनों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए अपने स्वदेशी टाटा व्हील्ड आर्मर्ड प्रोटेक्शन के साथ साथ अमेरिका के स्ट्राइकर और हम्वी को भी खरीद सकता है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वारी है भारतीय सेना के लिए आने वाले 10 सालों में गोला बारूद की जरूरतों को पूरा करने को लेकर। सेना ने निजी उद्योगों के अलावा 10 वर्षों के लिए राइफल बुलेट और आर्टिलरी रॉकेट सहित विभिन्न प्रकार के गोला बारूद की वार्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कहा गया है। हालांकि इसे बनाने के लिए जो इच्छुक निर्माता है उन्हें कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि हाल ही में एक RFI में कहा गया है, दोस्तों आपको बता दें कि निर्मित होने वाले गोला बारूदों में 300 mm स्मर्ज के लिए और 122 mm BM-21 सिस्टम्स के लिए, 90 mm शोल्डर फायर्ड रॉकेट लॉन्चर के लिए, 155 mm 40 mm और 20 mm राउंड आर्टिलरी और एयर डिफेंस गन्स के लिए और इसके अलावा 7.62 mm और 9 mm राउंड अलग अलग प्रकार की राइफल्स और कार्बाइन के लिए 70,07.62 mm के बुलेट्स का निर्माण करेंगी। गोला बारूद विनिर्माण के लिए निजी फर्मों को आमंत्रित करते हुए सेना ने ये बात स्पष्ट रूप से कही है कि सरकार भाग लेने वाली कंपनियों द्वारा बुनियादी ढांचा स्थापित करने और सुविधाओं के लिए न तो कोई विशेष रियायत देगी और न ही कोई धन या फिर निवेश करेगी। निर्माता गृह मंत्रालय से सशस्त्र अधिनियम के तहत आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने और औद्योगिक नीति और विभाग से विनिर्माण लाइसेंस के साथ साथ भारत में गोला बारूद के निर्माण के लिए आवश्यक किसी भी अन्य अनुमति के लिए जिम्मेदार भी होंगे। प्रत्येक प्रकार के गोला बारूद के विभिन्न प्रकार या वॉरहेड है जिनका इस्तेमाल विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए रूसी मूल का स्मर्ज रॉकेट लॉन्चर जो कि क्लस्टर्ड वॉरहेड, फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव वॉरहेड और हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड से लेस है। दोस्तों इसी तरह से 7.62 mm के राउंड्स, एसॉल्ट राइफल्स और अलग अलग प्रकार की स्नाइपर राइफल्स के लिए होंगे। सेना ने स्वदेशी निर्माण के लिए पहले निजी उद्योग से संपर्क किया है, जबकि कुछ निजी निर्माता कुछ प्रकार के गोला बारूद की आपूर्ति भी कर रही है। स्वदेशी आपूर्ति का इस वक्त आपको मालूम है कि सबसे बड़ा हिस्सा ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड से आता है और एक बड़ी मात्रा में विशेष रूप से महत्वपूर्ण और विशिष्ट गोला बारूद का आयात किया जाना अभी भी जारी है। हालांकि अब निजी कंपनियां भारत के लिए अगले 10 सालों के अंदर गोला बारूद की जरूरतों को पूरा करेंगी और इसके लिए भारत सरकार ने कहा है साफ तौर पर कि उन्हें किसी विशेष प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। दूसरी अब अगली खबर की बात करते हैं तो लद्दाख को ही लेकर आ रही है। चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत सरकार ने लद्दाख में भारत चीन और भारत पाकिस्तान सीमाओं के साथ लगे गांवों के लिए सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत 24.63 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत पाक और भारत चीन सीमाओं पर स्थित जो सीमावर्ती गांव हैं उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पेयजल, हस्तशिल्प, हस्तकरघा, बिजली, ग्रामीण विकास, सड़क और पुल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेष ध्यान देना है। आपको बता दें कि चीन बार बार बाधा डालता है लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में और वहां पर आकर कई बार काम तक रुकवा देता है और उन लोगों के बीच डर पैदा करने की कोशिश करता है। लेकिन अब भारत ने अनुदान और खर्च करना शुरू कर दिया है इन इलाकों में जो कि सटे हुए हैं पाकिस्तान और चीनी सीमा से। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो पाकिस्तान को लेकर आ रही है। ये जो नक्शेबाजी है जो पहले नेपाल कर रहा था, अब यही नक्शेबाजी
पाकिस्तान कर रहा है। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद होने के बाद जिस तरह से नेपाल की सरकार ने बिना बातचीत के अपने देश का नक्शा जारी कर दिया और विवादित क्षेत्रों को अपना बता डाला, ठीक पाकिस्तान ने भी अब उससे यही कुछ सीखना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बैठक में जो नया नक्शा जारी किया है उसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर के सियाचिन समेत गुजरात के जूनागढ़ तक अपना दावा ठोक दिया है। पाकिस्तान ने ये कदम 5 अगस्त से पहले उठाया है, जब जम्मू कश्मीर से भारत सरकार के आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर एक साल पूरा होने वाला है। इमरान खान ने कैबिनेट की बैठक में देश का नया पॉलिटिकल मैप जारी किया। इस मैप में सियाचिन को पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने यह ऐलान करते हुए दावा किया है कि भारत ने यहाँ अवैध तरीके से निर्माण करवा रखा है। सरक्रिक में भारत के साथ उसका विवाद है। पाकिस्तान ने साफ कह दिया है कि उसने इस इलाके को अपने नक्शे में शामिल कर लिया है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पाकिस्तान पहले भी दावा ठोकता रहा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि उसने गुजरात के जूनागढ़ को भी अपने हिस्से में शामिल कर लिया है। पाकिस्तान के नए मैप में जहां भारतीय क्षेत्रों पर अपना दावा ठोका है, वहीं जिन हिस्सों को लेकर चीन और भारत के बीच विवाद चल रहा है उन्हें अनडिफाइंड फ्रंटियर करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अब पाकिस्तान का ये नक्शा संयुक्त राष्ट्र के सामने पेश किया जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि अभी हाल ही में नेपाल के नक्शे को भी यूएन ने खारिज कर दिया है, तो इस बात से अब पाकिस्तान को भी सबक लेने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लेकर पूछ सकते हैं और मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा दोस्तों, आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कीजिएगा, वहां भी मैं अपडेट्स देता रहता हूं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।